वो किया और बहुत सुविधा है इस ट्रेन में और अच्छा लग रहा है। क्या नेम है और कौन से स्कूल से, कौन से क्लास में? मैं प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और मैं पाणी कन्या महाविद्यालय से आई हूँ और हमारा ये ट्रेन में पहला सफर है। वंदे भारत। कहाँ से कहाँ जा रही हैं आप? हम वाराणसी से इलाहाबाद तक जा रहे हैं। जी, आज आप लोग इस ट्रेन में षष्ठी वाचन और तमाम सांस्कृतिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और क्या? कल मोदी जी का जन्मदिवस है इस उपलक्ष में और हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे पीएम को और इस ट्रेन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस इस ट्रेन का? बहुत अच्छा है, मोदी जी ने यह ट्रेन को वो किया और बहुत सुविधा है इस ट्रेन में और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। पीएम के दीर्घायु के लिए और इसके लिए आप लोग किस तरीके का ये मंत्र उच्चारण क्या लाभ देता है या क्या? यह मंत्र 100 वर्षों तक जीवित रखता है और हमारी सारी इंद्रियां अच्छे से चले, खराब कुछ ना हो, इस वजह से हम मंत्र उच्चारण करते हैं। मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कल जन्मदिन भी है, आज आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम तत्चक्षुर देवहितं पुरस्ता चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं हीनः स्याम शरदः शतं भूदश्च शरदः शतात्। मोदी जी के लिए यह मंत्र है, ये मंत्र बोला जाता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो शत वर्षों तक जीवित रहे, अच्छे से चलते रहे, कब इसमें दुर्गुण ना है, खराब ना हो ये हमारी इंद्रियां। क्या हम पाणिनि कन्या महाविद्यालय के छात्र हैं, यह बनारस का गुरुकुल है। कल माननीय मोदी जी का जन्मदिन है तो हम बहुत सारे उनके लिए शुभकामनाएं करेंगे। हमने स्वस्ति वाचन किया है, हमने मंत्र भी पढ़े हैं उनके लिए। यह एक मतलब सांस्कृतिक यात्रा चल रही है, हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। वंदे भारत में मेरी यह प्रथम यात्रा, मतलब हम सारी गुरुकुल बहनों की हम प्रथम यात्रा है। हम चाहेंगे कि मोदी जी और भी अन्य ऐसी ट्रेनें बनाए, यहाँ पे सुविधाएं बहुत है इसकी। बर्थडे है और साथ ही यात्रा आप लोगों की पहली यात्रा है जी, तो ये यात्रा किस, ये यात्रा को क्या यात्रा बना रही है आप, यात्रा को षष्ठी वाचन करते हैं? हम लोग इसको सांस्कृतिक यात्रा बनाना चाहते हैं, जैसे हम लोग स्वस्ति वाचन करते हैं मोदी जी के जन्मदिन के लिए, तो हम इसे यादगार बनाना चाहते हैं। पड़ेगा प्रवेशिका। प्रवेशिका, कल प्रधानमंत्री का बर्थडे है, आज उनके लिए आप लोग स्वस्ति वाचन कर रही हैं और इस यात्रा को किस तरीके से मंगल यात्रा बना रहे हैं? उनके लिए हमने जो प्रधानमंत्री, उनके लिए तत्चक्षुर देवहितं, इसका मतलब उनकी आयु दीर्घ हो, इस मंत्र का वो किया और स्वस्ति वाचन शांति करना इत्यादि हमने किया ताकि उनको शांति रहे दिन भर, ये सब इत्यादि उनके लिए हमने किया। और इस यात्रा को हमने शुभ बनाने के लिए भी बहुत सारे श्लोकों का जाप किया, श्लोकों में बहुत शुद्धि होती है, वेद मंत्रों में बहुत शुद्धि होती है, उन सबका जाप किया और इस यात्रा को शुभ बनाया हमने। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको वंदे भारत ट्रेन का? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि सबको खुशी है वैसे हमको भी खुशी है, आपको भी खुशी है वैसे हमको भी खुशी है।